नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। सूर्य के कृतिका से रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने के साथ ही आज से नौतपा शुरू हो गया, यानी अब 9 दिनों तक तेज गर्मी रहेगी। इस दौरान सूर्य की किरण सीधी धरती पर पड़ती है। इस दौरान वृषभ राशि में चार प्रभु की मृत्यु होने से गर्मी का असर ज्यादा होगा और तेज गर्म हवाएं चलेंगी। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में आई या चक्रवात की वजह से कई राज्यों में आने वाले दिनों में बारिश भी हो सकती है। ज्योतिष विद्या पंडित मनीष शर्मा के अनुसार 25 मई से 3 जून तक घरों का पर्व होगा, जिसके लिए स्वामी चंद्र इस नक्षत्र में सूर्य के आ जाने से इस दौरान गर्मी अपने जगह पर। ज्योतिष गणनाओं के अनुसार सभी तरफ दिखाई देगा, खासकर जानवरों को कई तरह के रोग होने का डर है। नौतपा की शुरुआत में चार ग्रह सूर्य बुध शुक्र व राहु एक साथ वृषभ राशि में होंगे, इससे रोड एक्सीडेंट जन धन की हानि होगी। दूसरी ओर 30 मई के नौतपे में ही बुधवार ग्रह वक्री होगा, दो दिन बाद शुक्र भी बुध का साथ छोड़ देगा, इससे पहाड़ी क्षेत्रों में भारी वर्षा के योग होंगे। यूपी पंजाब हिमाचल राजस्थान गुजरात के कच्छ और उड़ीसा में भी तेज हवा के साथ बारिश होने का योग बन रहेगा। साथ ही तिलहन तुवर मटर रुई काली मिर्च शक्कर नमक के भावों में अचानक गिरावट आ सकती है, चांदी के भाव भी गिर सकते हैं। वहीं अगले चार महीने के वर्षा काल में बारिश के कुल 44 योग हैं, इसमें आषाढ़ में 14, श्रावण में 12 और भाद्रपद में 14, अश्विन में 4 योग हैं। इन 9 दिनों में बारिश ना हो और ठंडी हवा ना चले तो यह माना जाता है कि आने वाले दिनों में अच्छी बारिश होगी। इस दौरान सूर्य की गर्मी और रोहिणी के जल तत्व के कारण मानसून गर्भ में जाता है और नौतपा ही मानसून का गर्भकाल माना जाता है। सूर्य 12 राशियों 27 नक्षत्रों में भ्रमण करता है। ज्योतिष के अनुसार सूर्य कुंडली में जिस भी ग्रह के साथ बैठता है उसके प्रभाव को अस्त कर देता है। ज्योतिष गणनाओं के मुताबिक जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में होकर वृष राशि के 10 से 20 अंश तक रहता है तब नौतपा होता है। इन 9 दिनों तक सूर्य पृथ्वी के काफ़ी करीब आ जाता है। इस नक्षत्र में सूर्य 15 दिनों तक रहता है, लेकिन शुरुआत के 9 दिनों में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। सूर्य का तापमान 9 दिनों तक सबसे अधिक रहता है, इसलिए 9 दिनों के समय को ही नौतपा कहा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।